पिले माने आज आम देखा तुम एग्जामिनेशन विषय जो प्लस टू सेकेंड इयर बा ट्वेल्थ क्लास कथा आम कौचे से ट्वेल्थ क्लास जो एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल ले। कॉलेज रे परीक्षा हे प्रत्येक कॉलेज रे परीक्षा हे कॉलेज ही क्वेश्चन कर कॉलेज ही खाता देखियो तर जहाँ काउंसिल नॉर्म अच्छी बा गाइडलाइन जहाँ काउंसिल अच्छी सीएचएससी बोर्ड तर सीएचएससी अनुसार आमर क्वेश्चन कौन रहिबो एवं किभली रहिबो देखो क्वेश्चन टर्म एग्जामिनेशन जहाँ को मुझे सीएचएससी ओडिशा फास्ट क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन सेकेंड क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन थर्ड क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन तापर फाइनल सीएचएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न केमती रहुची ये सब देखे जाए फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी बॉटनी जूलोजी इंग्लिश ओडिया ये सब पिले क्वेश्चन पैटर्न तुम्हारा केमिति रही ओके पिले ताले लक्ष्य कर पिले तुम्हारा जो काउंसिल एग्जामिनेशन जहाँ काउंसिल गाइडलाइन अच्छे तुम्हारे अक्टोबर मासरे परीक्षा अक्टोबर फास्ट वीक सिमिलरली तुम नवंबर परीक्षा सिमिलरली तुम जनवरी एई टाइप रो तुम्हार परीक्षा रही जो फास्ट क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन सेकेंड क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन थर्ड तीनोटी परीक्षा हे कॉलेज रे जहाँ मार्क ये तुम्हें सिक्योर कर से मार्क पूरा काउंसिल को अपडेट अपलोड वेबसाइट से मार्क पूरा काउंसिल को पठे दिज जदि तुम फाइनल एग्जामिनेशन न हो पारा ये गुटा मुझे फाइनल काउंसिल एग्जामिनेशन जदि कौन सी कारणवशत कोविड रो प्रभाव जो तुम फाइनल एग्जामिनेशन न हो पारा ताले तीनटार मार्क हूँ इम्पोर्टेंट जहाँ कॉलेज काउंसिल को पठे से तीनटार मार्क को बेस करी काउंसिल कौन कर गोटे लिस्ट तैयारी कर जे कहार केते परसेंटेज दैट इज सम मॉडिफिकेशन ऑफ मार्क्स सेंड बाय द कॉलेजेस टू द काउंसिल तेणु ये जो फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर एग्जामिनेशन टा इम्पोर्टेंट जदि फाइनल एग्जामिनेशन टा कैंसल हो गला जदि फाइनल एग्जामिनेशन हुए कोविड रो सेमती स्थिति किसी रही जे फाइनल एग्जामिनेशन हम ताले ये परीक्षा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एम इम्पोर्टेंस रही जहाँ फाइनल तुम्हें सिक्योर कर दैट विल बी फाइनल तुम से ही फाइनल मार्क आम डिविजन बा परसेंटेज कैलकुलेट कर केते परसेंटेज तुम्हें सिक्योर कर से तुम्हें कौन कर ना फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर टे भल भाव परीक्षा देवा जमी भल सिक्योर कर एग्जामिनेशन क्वेश्चन किभली पैटर्न ना काउंसिल अनुसार तुम पैटर्न देख पिले ये टाइप वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स छटा क्वेश्चन पड़े एक मार्क से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो पारे वन वर्ड हो पारे वन सेंटेंस हो पारे बा फिल इन द ब्लैंक्स हो पारे छटा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क सो वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स सबुटा कंपलसरी सी ऑप्शनल किसी ना छटा पड़े थोड़ा छटा कर तापर आसला टू इंटु थ्री टू इंटु थ्री चारोटी क्वेश्चन पड़ थ चारोटी थ्री बाई फोर मान चारोटी क्वेश्चन पड़ थोनोटी कर
प्रत्येक क्वेश्चन दुई मार्क 2 × 3 = 6 जो क्वेश्चन थ्योरी ही पारे कॉन्सेप्ट ही पारे न्यूमेरिकल ही पारे 2 मार्क्स रा क्वेश्चन 2 × 3 = 6 एरा टिके लॉन्ग टाइप 4 मार्क्स 4 × 2 = 8 तीनोटी क्वेश्चन पड़ी थी 2टी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करिबो 4 × 2 = 8 एथे ऑप्शन रहिछ 2 मार्क रे 4 टारु 3टी करिबो 4 मार्क क्वेश्चन ले 3टी रु 2टी करिबो ऑप्शन सार देयर टोटल पिले देखो 20 मार्क होछि थ्योरी तो जो हमर थ्योरी सब्जेक्ट जेम त हमें कहू छी सपोज मैथमेटिक्स इंग्लिश एमएल तो सेमान पई तुमर मार्क होछि 20 थ्योरी किंतु हमें यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नबा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आईटी ताले इटी देखो एमानकर कोन ना प्रैक्टिकल 10 मार्क आउ रहू छी एक्स्ट्रा तो 20 थ्योरी 10 होची प्रैक्टिकल तो सेमान को पाई 30 मार्क अकॉर्डिंगली परसेंटेज कैलकुलेट है जो तुम्हें जहां मार्क सिक्योर करबो थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो से मार्क पूरा में जो अपलोड कर देवा काउंसिल वेबसाइट रे से मार्क अनुसार परसेंटेज कैलकुलेट है जो तुम्हें ये गला तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर रा क्वेश्चन पैटर्न जोड़ा कि कॉलेज रे परीक्षा हो तुम्हें जो कॉलेज रे पाठ पढ़ुच से ही कॉलेज रे परीक्षा हो एवं से जो क्वेश्चन से कॉलेज रे मध्य तैयारी करिवे बाहर क्वेश्चन नहीं काउंसिल क्वेश्चन इटी पठेबार नहीं एवं तार क्वेश्चन पैटर्न मध्यम कोई इवैल्यूएशन खाता देखा मध्यम सही कॉलेज रे रहइबो जहां एटा काउंसिल रो गाइडलाइन अछि किंतु जेते बेले फाइनल एग्जामिनेशन हबो मु कहि छी कोविड रा स्थिति यदि भलो रहिला ताले फाइनल एग्जामिनेशन हबो ताले एही फाइनल एग्जामिनेशन जो रहइबो ता पई पैटर्न कोन रहइबो क्वेश्चन पैटर्न कोन रहइबो ना फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी सब्जेक्ट पई 1 × 35 = 35 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिले रहइबो 35 टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ता माने 70 मार्क हो थ्योरी परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी रे 70 मार्क हो थ्योरी 70 रु 50% 35 टा क्वेश्चन रहइबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू 1 × 35 = 35 तापर 2 मार्क क्वेश्चन 10टा करिय पड़ी एटी चॉइस अछि एटी तमरा चॉइस रहिछि 2 मार्क क्वेश्चन 16 टा थिबो 16 टा थिबो 10 टा करिवो तेलु 16 टा क्वेश्चन रु 10 टा हम कले 2 × 10 = 20 2 मार्क रो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क 5 × 3 एठी हमरा 6टी क्वेश्चन पड़ी थिबो लॉन्ग टाइप 6टी क्वेश्चन रु हम करिबा 5 3टी करिबा गोटिए क्वेश्चन 5 मार्क 5 × 3 = 15 टोटल पिले गेला 70 मार्क ता माने फिजिक्स केमिस्ट्री आ तुम्हारा आईटी रे 70 मार्क थ्योरी रो 50% होची मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेतला हम पढ़ीबा बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी जीवा बायोलॉजी रे टोटल 70 मार्क बॉटनी होची 35 मार्क जूलॉजी 50% त 35 मार्क्स बॉटनी 35 मार्क्स होची जूलॉजी तार इठी टिके क्वेश्चन पैटर्न कोन रहिस देखो 1 × 17 = 17 17 टा होची मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बॉटनी रे 17 जूलॉजी रे भी 17 17 टा होची मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 × 4 = 8 चारिटा 2 मार्किया क्वेश्चन एटी चॉइस अछि हमरा एटी चॉइस रहिछि 6टा पाखा पे थिबो चॉइस 6टा तुमे करिवो 4टा
एटा होची 2 मार्क क्वेश्चन 5 into 2 is equal to 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एरे लॉन्ग टाइप से थिबो चारटी लॉन्ग टाइप थिबो तुमे दुईटी क्वेश्चन करबो 5 into 2 हला 10 ताले ये हला देखो 35 मार्क 17 8 10 टोटल हे गेला 35 बटानी पई 35 जुलोजी पई 35 बटानी जुलोजी परीक्षा अलगा हुएनी गोटिए सिटिंग रे हबो आगे गोटिए परीक्षा ला सपोज बटनी तापर हबो जुलोजी गोटिए सिटिंग रे अलगा डे रे परीक्षा नाही आज परीक्षा होची 5 दिन परे बा 2 दिन परे बा काली जुलोजी हबो न गोटिए डे रे गोटिए सिटिंग रे परीक्षा आइताय बटनी जुलोजी तण जदी काउंसिल रा फाइनल एग्जामिनेशन करा जाए ताले ये होची तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी बटनी जुलोजी रो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस से भले लिटरेचर मध्य इंग्लिश र 50% मध्य मल्टीपल चॉइस रहिछि अल्टी ए टाइप रे मध्य आमे क्वेश्चन जानि परबा बा मोर अदर वीडियो रे तुमे पाई पारि येला फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न फाइनल एग्जामिनेशन रा पोर्शन कोन ना से रिड्यूस सिलेबस सब उडाई रिड्यूस सिलेबस क्वार्टर एग्जामिनेशन मध्य रिड्यूस सिलेबस फाइनल एग्जामिनेशन मध्य रिड्यूस सिलेबस जो सिलेबस रिड्यूस्ड होई 2021 रे थिला 2021 मसिया रो उडे रिड्यूस सिलेबस अछ तले जतले 2022 रे एई परीक्षा हो काउंसिल परीक्षा जो फाइनल एग्जामिनेशन सेई सिलेबस को आमे कंसीडर करबा क्वार्टर एग्जामिनेशन मध्य से रिड्यूस सिलेबस को नेकरी करा जे ताले आमे देखिले ए जो टर्म एग्जामिनेशन आमे कहउथिले आमे सीएचएससी बोर्ड रे बा सीएचएससी पाई आमे कहउछ सेटा होची क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर एंड जहा की कॉलेज मानन करे परीक्षा हबो जहा पिला मार्क स्कोर करिवो से मार्कटा जीव काउंसिल जदि तुम्हार फाइनल एग्जामिनेशन होई न पारिला ताले एई एग्जाम रे तुमे जहा मार्क रखतिबो ताहा तुमको परसेंट जाकर रे मॉडिफिकेशन करी काउंसिल तुमको देला एटा काउंसिल ल गाइडलाइन जहा कहउछ ओके पिले जदि फाइनल एग्जामिनेशन होला ये एग्जाम रे किछि मूल्य रहइबो नाही एई क्वेश्चन पैटर्न अनुसार तुमको परीक्षा दबाक पड़ो तेना आम वर्तमान एई पैटर्न अनुसार पढ़ा उचित तेणु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उपरे अधिका फोकस करवा दरकार सो दैट 50% होची मल्टीपल चॉइस यदि भूल हो मार्क पाइबार चांस ना कोडा दुई मार्क रे मु टिके एपर सेपर लेखिले कोड तमे टिके मार्क पाई पारो दुई मार्क रो हाफ पाई पारो बा एक पाई पारो कि मल्टीपल चॉइस रे पूरा जीरो होइ जो तेनो पिले माने मल्टीपल चॉइस पर अत्यधिक फोकस करो सो दैट आमे जो फाइनल एग्जामिनेशन पई एई पैटर्न अनुसार प्रिपेयर होई पारिबा मोर जो अन्य गोटे वीडियो अछि सेथिरे इंग्लिश अल्टरनेटिव इंग्लिश एमएल ओडिया संस्कृत हिंदी ता ऊपर मध्य तुम्हें सेठी पाई पाई